आपने कहा कि सारों के सारे एडीज अगर मैं एडीज डोमेन कंट्रोलर जो होंगे राइटेबल होंगे, तो अगर किसी एक में यूजर क्रिएट करता है तो सबकी उसकी कॉपी सब पे चली जाएगी, इसका मतलब ये भी है? यही मतलब है, बिल्कुल ऐसा ही। चलिए फिर सेंट्रलाइज ना, मतलब रिडंडेंसी ना होगी तरह से, मतलब कॉपी रिडंडेंसी आ गई ना, एक डिस्क में डाउन होता है तो दूसरा जो है वो लुक आफ्टर कर ले, रिडंडेंसी मिल। इसको सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेशन, इसको भी सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेशन है जो इंफॉर्मेशन को रेप्लिकेट हो रही सारे एक कंसिस्टेंट स्टेट में। ठीक है, बात समझ में आ रही है? यस सर। क्या लिखा है? स्कीमा मास्टर, उसके बाद लिखा डोमेन नेम एंड मास्टर। ठीक है, थर्ड नंबर पे लिखा PDC emulator, उसके बाद लिखा रिड मास्टर, लास्ट में लिखा इंफ्रा स्ट्रक्चर मास्टर। वैसे PDC emulator ही कहते हैं, लेकिन अब माइक्रोसॉफ्ट, एक तो माइक्रोसॉफ्ट को बीमारी है नाम चेंज करने की, तब खाली PDC भी कहते हैं आप, तो भी ठीक है। अगर आप सिर्फ जागते रहेंगे, मेरी गारंटी आज का लेक्चर आपको लेक्चर के एंड पे समझ आ चुका होगा बगैर किसी मसाले। ठीक है, ओके। ये लाइन मैंने सोचे समझे मंसूबे के तहत लगाई है, ये गलती से नहीं लाइन लगा दी। ये जो दो रोल्स हैं, ये वन पर फॉरेस्ट है और ये तीन रोल्स वन पर डोमेन। आप लिख लेना, समझाऊंगा। पाकिस्तान प्राइम मिनिस्टर कितने होंगे? एक। चीफ मिनिस्टर कितने होंगे? क्यों चार होंगे? सुबह चार। एक फॉरेस्ट में पांच डोमेन्स हैं। हर डोमेन का अपना अपना क्या होगा? PDC emulator, स्कीमा मास्टर ये लिखा है वन पर फॉरेस्ट। फॉरेस्ट इज डिफरेंट कंट्री। एक फॉरेस्ट में पांच डोमेन्स हो, दस हो या पचास डोमेन्स हो, स्कीमा मास्टर डोमेन मास्टर सिर्फ एक होंगे, इररेस्पेक्टिव के डोमेन की, क्योंकि पूरे फॉरेस्ट में एक स्कीमा मास्टर होता है और एक डोमेन नेम मास्टर लिखा है ना, वन पर फॉरेस्ट। ये जो लाइन है इसका मतलब वन पर एक रुपए फी किलो, तो वन पर फॉरेस्ट, पर डोमेन एक मास्टर। ठीक है? यस सर। तो वन पर डोमेन, जितनी डोमेन्स हैं उतने ही होंगे पर डोमेन। तो अगर आपके पास पांच डोमेन्स हैं तो पांच PDC emulator हुए, हर डोमेन का एक एक, पांच इंफ्रास्ट्रक्चर मास्टर हर डोमेन का एक, पांच रिड मास्टर हुए हर डोमेन का एक, समझ आई बात? लेकिन वो पांचों डोमेन क्योंकि एक ही फॉरेस्ट में थी, इसलिए स्कीमा मास्टर एक, डोमेन नेम मास्टर एक। इसकी सबसे आसान एग्जांपल मैंने आपको बता दी है, प्राइम मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर। PDC, ये जो आपका स्कीमा मास्टर और डोमेन नेम मास्टर है, इसको आप मेरी एनालॉजी में रिलेट कर सकते हैं किसके साथ? प्राइम मिनिस्टर के साथ। और इन तीनों को रिलेट कर सकते हैं किसके साथ? चीफ मिनिस्टर के साथ। बात समझ में आ गई? ये तीनों चीफ मिनिस्टर हैं, ये दोनों प्राइम मिनिस्टर हैं। बात समझ में आ गई? यस सर। अब मेरे क्वेश्चन का आंसर दें। एक फॉरेस्ट में तीन डोमेन्स हैं, एक फॉरेस्ट में कितने डोमेन्स हैं? थ्री। टोटल नंबर ऑफ रोल्स कितने होंगे? सोच के आंसर देना, जल्दी नहीं करनी, हाथ खड़ा कीजिएगा मैं पूछ लूंगा। एक फॉरेस्ट में तीन डोमेन्स हैं, टोटल नंबर ऑफ रोल्स कितने होंगे ये बताएंगे आप? लोग कह रहे हैं।